गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब मींस क्रिया, क्रिया के प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वर्ब। टू नो अबाउट द वर्ब वी शैल हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। A verb is a word. A verb is a word which tells us something about the action, feeling or existence of the subject. Action means कार्य, feeling means भावना, existence means उपस्थिति। Students, What is the verb? A verb is a word which tells us something about the action, feeling or existence of the subject. क्रिया वह शब्द है जो हमें कार्य के बारे में, भावना के बारे में या कर्ता के उपस्थिति के बारे में बताता है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग। क्रिया वह शब्द है जो हमें कार्य, भावना या कर्ता के उपस्थिति के बारे में बताता है। नाउ वी शैल लुक सम एग्जांपल्स राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। इन दिस सेंटेंस द वर्ब इट शोज एन एक्शन ऑफ ईटिंग। इन द सेकेंड एग्जाम्पल दे आर in the room वे लोग कमरे में हैं। Here the verb are express existence of the subject। यह
कर्ता के उपस्थिति को बताता है। वेयर आर दे आर इन द रूम। इट एक्सप्रेसेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। इन द थर्ड एग्जाम्पल द वर्ब इज इट एक्सप्रेसेस फीलिंग अबाउट अ पर्सन। मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। इट्स योर फीलिंग ऑफ अ पर्सन। वी आर इन द गार्डन। हम लोग बगीचे में हैं। हियर द वर्ड आर ऑल्सो एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। वेयर वी आर, हम लोग कहाँ हैं। वी आर इन द गार्डन, हम लोग बगीचे में हैं। इट्स योर एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल नो अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब आर देयर। कितने प्रकार के होते हैं वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब which means सहायक क्रिया। एंड सेकेंड मेन वर्ब which means मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल लुक वंस अगेन अबाउट वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल्स अस समथिंग अबाउट द एक्शन फीलिंग और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। क्रिया वह शब्द है जो हमें कार्य, भावना या कर्ता के उपस्थिति के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। इन दिस सेंटेंस द वर्ब इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर इन द रूम। दिस सेंटेंस shows existence of the subject. The word are, especially the word are, it shows existence of the subject. In the third example, Mohan is an honest man. In this sentence, the word is, it expresses feelings. And example 4, we are in the garden. Here the word are also expresses the existence of the subject. Students, there are two kinds of verb. Verb दो प्रकार के होते हैं। First, helping verb, which means
सहायक क्रिया एंड सेकेंड मेन वर्ब विच मीन्स मुख्य क्रिया. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट हेल्पिंग वर्ब. What is helping verb? What is helping verb? सहायक क्रिया क्या होता है या किसे कहते हैं? Helping verb, helping verb. The verb which helps to complete an action is called helping verb. The verb which helps to complete an action means cards, complete means pura karna, is called helping verb. Vah kriya jo kisi kaam ki pura करने में मदद करता हो उसे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं. द वर्ब विच हेल्प्स टू कंप्लीट एन एक्शन इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. वह क्रिया जो किसी काम के पूरा करने में मदद करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं. Example, do, did, is, aim, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, could, me, might, must, ought to, used to, students, do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, could, may, might, must, ought to, used to, should, would. These are helping verbs. These are helping verbs. Students, how many kinds of helping verb?
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग हर टू नो अबाउट हेल्पिंग हर वी शैल स्टडी फर्दर देयर आर three kinds of helping verb. सहायक क्रिया तीन प्रकार है. First to be. Second to do. And to have. Students, which auxiliary verb comes under to be verb, or it is also called be verb is am, are, was, were, shall be, and will be. These are to be verb or be verb. To do, do, does, and did. These are to do helping verb and to have. Has, have, and had. Shall have, will have. These are to have verbs. Students, helping verb. What is helping verb? The verb which helps to complete an action is called helping verb. वह क्रिया जो किसी काम को करने में सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं. These are helping verbs. Do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, could, may, might, must, ought to, used to, should, would. These are helping verbs. There are three kinds of helping verbs. First, to be verb or be verbs. To be or be verbs. Is, am, are, was, were, shall be, and will be. These are comes under be verbs or to be verb. To do, do, does, and did. The three words are comes under to do helping verb. Has, have, had, shall have, and will have. These are comes under to have helping verbs. In this way, there are three kinds of helping verb. First, to be, second, to do, and third, to have. Students, now we shall know about
कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स What is complement? What is complement? Complement means पूरक. Complement means पूरक. The word or phrase. The word or phrase which is used to complete an incomplete predicate is called complement. वह शब्द या वाक्यांश जो अधूरे प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं. एग्जाम्पल राम वॉच. सेकेंड एग्जाम्पल Mohan is and third example I am. Students, as we know that a sentence is made up of two parts. एक वाक्य दो भागों में बटा होता है. फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिकेट. एज वी हैव लर्न्ड इन द लास्ट चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल राम इज सब्जेक्ट एंड वाज is predicate, but it is incomplete predicate. To complete the predicate, we use complements, which means पूरक. Complement means पूरक. Ram was a doctor. Here a doctor is complement because it complete the meaning of predicate. A doctor
complete the meaning of predicate. And now the sentence is meaningful sentence. Ram was a doctor. Ram ek doctor tha. If we do not use complement or doctor, then the meaning of this sentence would be Ram was, Ram tha. What? Ram was what? Ram was a doctor. So a doctor is a complement in this sentence. Mohan is. Mohan hai. What? Here in this sentence, Mohan is subject and is part of predicate. But this is incomplete predicate. And to complete the meaning of predicate, we use complements. Mohan is an engineer. Engineer. Mohan is an engineer. Mohan ek abhiyanta hai. Now, this is a complete sentence, and to complete the predicate of this sentence, we used an engineer. So, an engineer is complement. I am. Main hoon. What? What am I? Main kya hoon? I am a teacher. I am a teacher. Main ek shikshak hoon. This is a complete sentence, and we use a teacher to complete the predicate of this sentence, because I is subject in this sentence and the rest part of the sentence is predicate. But before use a teacher in this sentence, the sentence does not make complete sense. I am, my hum, what I am. To complete the sense of this sentence, we used a teacher. And now this sentence expresses complete sense. So a teacher is complement. A teacher is complement. Students, I hope that you must have understood about the verb, kinds of verb, helping verb, and complements. Thank you very much.